लेकिन भगवान के हाथ में वो मटकी होगी। अगर भगवान के हाथ में मटकी होगी ना और तुझे मिले तो तू ले लेना। हाँ, और बा इस भगवान का नाम क्या है मालूम है? समझा? क्या? गुलेल। इस भगवान का नाम गुलेल निकला। गुले? Enough, मीनाक्षी, तुम समझती क्यों नहीं हो? आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा मैं? मैंने इंटरव्यू पास किया है, फिर भी मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है। मीनाक्षी, तुमने इंटरव्यू हिंदी में पास किया था, इंग्लिश में नहीं। तुम जिस तरह की इंग्लिश बोलती हो ना, वैसे इंग्लिश दुनिया के किसी भी किताब में नहीं है। मम्मी, पापा, मुझे बात मत करो मारो। अगर तुमसे बात करते करते मैंने गलत अंग्रेजी का इस्तेमाल किया तो तेरे पापा मुझे और डांटेंगे। मीनाक्षी, तुम काम ही ऐसा करती हो कि गुस्सा आ जाता है। पता है मानव, मैंने घर पे फोन किया था ये पूछने के लिए कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम लोग शायद झगड़ा कर रहे थे, तो इसने क्या बोला कि सारे बच्चों के बीच कॉलरा हो गया है। कॉलरा? हाँ, झगड़ा का मतलब कॉरल, तो इसने उसका कॉलरा बना दिया। एक मिनट के लिए मैं भी टेंशन में आ गया था कि कॉलरा। हाँ तो सही तो कहा, मैंने कहा यूं ही इंटरव्यू पास किया है। मीनाक्षी, दोबारा इंटरव्यू का नाम मत लेना वरना। तुझे पता है मानव, सूरत में लैप्टोस्पिरोसिस नाम की बीमारी फैल गई थी, तो ये मैडम सबको क्या कहती फिर रही थी कि सूरत में सबको लैपटॉप हो गया है। मम्मी, लैपटॉप कंप्यूटर है, कोई बीमारी नहीं। हाँ समझी, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ता है, सर पे इंग्लिश की बुक और कलश रख के परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे तो हुआ। यस, विद परिक्रमा प्रॉफिट है। पर मम्मी कह रही है कि उन्हें परिक्रमा से फायदा हुआ है। यस, विद ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब क्या है मानव, समझा? मतलब बाबा के आशीर्वाद से। मतलब बाबा का इंग्लिश चाइल्ड? हाँ, लेकिन हम नहीं कहते कि फला फला भाई की बीवी को बाबा हुआ है। धन्य हो मीनाक्षी देवी। तो तुम एक काम करना, तुम अपने डुगडुगीपुर वाले बाबा को ऐसे खिलाना, ओ ले ले बाबा, ले ले बाबा। अरे मानव तो आया नहीं अब तक। अरे हाँ, इनकी बातों में मैं भूल ही गया। क्यों, क्या हुआ? अरे आप चलिए मेरे साथ, दादी माँ आपको बुला रही हैं। गट्टू काका ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या किया गट्टू ने? खा खा, आराम से फटाफट खा। बटाटा वड़ा। गट्टू काका है कौन? ये भगवान, भगवान है ये। अभी थोड़ी देर के बाद में ना ये अपना असली रूप धारण करेंगे, धोती और मुकुट और ऐसे हाथ में बांसुरी। और फिर बोलेंगे मैं प्रसन्न हुआ। गट्टू, ये भगवान कैसे हो सकता है? प्रवीण भाई, देखो अभी बा क्या बोल रही है। पहले बा ने ही बोला था कहानी में कि भगवान कोई भी रूप में आ सकता है, और अभी ना बोल रही है। कहानी में था ऐसा बोला था ना बा ने? फिर तो सही है। और मोटा भाई क्या कहते हैं कि बा कभी गलत नहीं होती। हाँ, इट मीन्स कि ये भगवान है। प्रवीण, क्या तू इसे उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है? लो, मोटा भाई के रास्ते पे चल रहा हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। ये लो। पेट भर के खाना बेटा। गट्टू भाई, आपने इसका नाम क्या बताया? गुलेल। गुलेल? ये ना अपनी गुलेल से मस्त जामुन तोड़ता था, इसलिए इसका नाम गुलेल रखा। गट्टू, ये तुझे कहाँ मिला? ओ बा, मैं अभी उधर गया था ना, उधर से ऐसे जाते है ना, तो उधर कौन से वाले भगवान हो तुम? और एक मिनट, वो तुम्हारे पीछे वो गोल गोल वाला भी नहीं है, किधर है ऐसा गोल गोल वाला? मेरा मजाक मत उड़ाओ ना, कल से किसी ने खाना ही नहीं दिए, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दो ना। मतलब कल से किसी ने धरा ही नहीं आपको कुछ? नहीं। अरे बाप रे, मेरे पास ना एप्पल है, एप्पल तो वो दूं मैं। एक मिनट, लेकिन ये तो है ना, मैंने अपने लिए लिया था, तो ये नहीं धरा सकता ना, पाप लगेगा मुझको। नहीं, दे दो ना प्लीज। लुचा,
चलेगा अभी, लेकिन इसमें से ना थोड़ा रखना मेरे लिए, है ना, प्रसाद खाना पड़ता है ना, और फिर ना मैं आइसक्रीम भी धरूंगा, तो वो भी रखना मेरे लिए आइसक्रीम। पैसे है मेरे पास, दिखाओ। ये देख, रिक्शा 10,000। ये देखो, इतने सारे पैसे मुझको है ना उन्होंने दिए, वो प्रवीण भाई ना ऐसे ऐसे उन्होंने। मुझे खाना भी खिलाओगे ना? खाना भी धरू तो फिर उसमें से भी मुझको प्रसाद दे। चोरी करता है लुटिया। मिल गए पैसे। ओ ना तुम भगवान। अरे कितनी बार कहूं, मैं नहीं हूं भगवान। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो मुझे गुलाब बादशाह करके बुलाता था, जो मेरे से कबूतर मरवाता था, क्योंकि मेरा निशाना बहुत पक्का है ना, अभी देखा ना। मैंने देखा वो एप्पल मस्त मारो उसको ताड़ करके इधर। लेकिन गुलेल तुम्हें ना भगवान हो, तुमको मालूम नहीं है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे हाथ में मटकी है ना, मेरी बात बोलती है जिसके हाथ में मटकी होती है ना वो भगवान होता है। गुलेल ये मटकी दोगे मुझको तो मैं खाना किसमें मांगूंगा? तुम मेरे घर पे चलो ना, मैं दूंगा ना तुमको खाना। हम लोग के घर पे ना तीन तीन बार बनता है खाना मस्त। चलोगे घर पे? चलो। वन टू थ्री स्टार्ट। अभी याद आया कि किधर मिला ये मुझको? याद आया बा? बा आपने मुझे बुलाया? बैठिए बैठिए सुबोध काका, बहुत मजा आ रहा है। ये गट्टू नया दोस्त लेके आया है। अरे दोस्त नहीं सुबोध, भगवान है ये। अरे पैर छू चल। अरे प्रवीणा क्या काम चोरी कर रही हो, फटाफट सब्जी लाओ भगवान के लिए। एक मिनट, बाप भगवान को कितनी गर्मी हो रही है, पंखा डालिए ना फटाफट। प्रवीण मैं सचमुच मारूंगी तुझे। अरे भगवान तू बैठ ना। हाँ, आपने भी भगवान बोला अभी। बैठ जा बेटा, तू खाना खा, खा। बैठ, हमारे घर में ये सब चलता रहता है। खा, खा। अरे बात तो है ही ऐसी। ये लो सब्जी, सब्जी तू खा फटाफट खा, और खाना खा के आराम से गट्टू के साथ आंगन में जाके सो जाना। बा बेबी के कमरे में सो जाए। नहीं नहीं प्रवीण भाई, ये ना आंगन में नहीं सोएगा, इसको छत के नीचे सोने का है, इसने बोला था मुझको रिक्शा में। अच्छा हाँ, मैं तो रोज फुटपाथ पे सोता था खुले में। अच्छा तो तुम मेरे कमरे में सो जाना। हाँ प्रवीणा तो कहीं भी सो लेगी। अरे कल रात तक तो अपनी मम्मी के घर पे सो रही थी। आंटी आपकी माँ भी है? हाँ, अरे ये तो है ही, इसकी माँ भी है, ये प्रवीणा और वो बड़ी प्रवीणा। प्रवीणा इसके सामने पीटना है क्या? ये पापा झूठ थोड़ी ना बोल रहे। गुलेल मेरी नानी है ना एक नंबर की चीटर है, एवरी टाइम गेम खेलते वक्त चीटिंग करती है। बेहूल नालायक, चुप रहे, खबरदार मेरी मम्मी के बारे में कुछ कहा है तो बेलन खींच के मारूंगी। बेलन खींच के मारो ना, तेरे सारे दांत टूट जाएंगे। अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा और मोटा भाई डेंटिस्ट के हेला पे जाना। बेहूल नालायक। अरे प्रवीणा, अरे बड़ी प्रवीणा को भेज दो गुलेल भगवान के दर्शन के लिए। अरे बेटा आराम से, आराम से। हाँ तो आराम से खाना खा, बाद में सुबोध तेरे घर तक छोड़ देगा। किधर? कोचिन। कोचिन? ये जिस घर में रहता था ना वो घर तो कोचिन चला गया। कोचिन चला गया मतलब? मतलब ये ट्रेन के डिब्बे में सोता था ना। गुड्स ट्रेन के डिब्बे में? हाँ वो वेरी गुड ट्रेन थी वो, लेकिन अभी पूरी ट्रेन ही कोचिन चली गई, तो अभी किधर सोएगा ये भाई? इसको इधर रखते है ना।
भगवान घर पे आते तो उसको वापस थोड़े ना भेज देते। हम इसका कहीं अच्छी जगह रहने का इंतजाम करेंगे बेटा, और इसके मम्मी पापा भी तो इसे ढूंढते होंगे ना। मेरे मम्मी पापा नहीं है। मुझे यहाँ से मत निकलिए ना, और खाना भी अच्छे और आप सब भी अच्छे। खा ले बेटा, तू खा ले। गट्टू देख ये बराबर खाता है कि नहीं। देखो। अच्छा अच्छा, कह रहा है बा, कह रहा है। देख काका, मैं ना बाद में खाऊंगा, भगवान पहले खाते हैं ना। खा खा, तू खा फटाफट, बाद में देना मुझको थोड़ा सा, इतना सा प्रसाद। तू भगवान है ना, इसलिए आमरस मिलेगा प्रसाद में। गट्टू काका जल्दी कीजिए, वरना हम गेम शुरू कर देंगे। अरे हाँ बाबा, आ रहे हैं। ये देखो कितना मस्त लग रहा है गुलेल मनसुख लाल के कपड़ों में। ए मनसुखलाल की मम्मी है ना, उसको नए कपड़े पहनने को ही नहीं देती है। गट्टू काका आपको खेलना है तो जल्दी आइए। हाँ चल चल चल, मेजर ऑडी विंग, मेजर ऑडी विंग, 1 2 3। मैं होल्ड पे था, तू भी बोल मैं होल्ड पे था। तुम तुझको आता है ना खेलने का? क्या कहने का मालूम है? ये देखिए नारियल की कटोरी लेने का और ऐसा लक्की करके ऐसा डालने का और फिर छुप जाने का। तू भी छुप जाना, ठीक है? चल एक मिनट गट्टू काका, इसने मेजॉरिटी विंस किया ही नहीं है। अब अगर इसे खेलना है तो दाव इसे देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये दाव नहीं देगा, दाव तू ही दे। ये क्यों दाव नहीं देगा? क्योंकि भगवान है ना ये। गट्टू काका, क्या कब से भगवान भगवान बुला रहे इसे? ये हम जैसा ही है। अरे नहीं बाबा, ये देख इसके हाथ में मटकी भी है जो ये मुझको देने वाला है। इट मीन्स कि ये भगवान है तो ये खेलेगा भी और दाव भी नहीं देगा। इसे खेलना है तो इसे कहिए दाव इसे ही देना होगा। अच्छा बाबा, इसका लो मैं दूंगा बस। वाह वाह वाह, कुर्बानी, 2 घंटे में इतनी दोस्ती हो गई? हाँ, ये मेरा पक्का दोस्त है ना, तो इसका दाव मैं दूंगा। ठीक है दाव आप दे देना, लेकिन बाद में आप हमें पकड़ ना सके तो हमें मत कहना। तुम लोग बहुत थकाने वाले हो मुझको। देखते हैं गट्टू काका, लाओ तो सही। तो है ना उधर झूले के पीछे जाके छुप जा, तो मुझको मालूम नहीं पड़ेगा। तो भाग जल्दी, किधर रखे, कितने दूर ऐसा है यार। गुलेल, मुझे तुझसे कुछ काम है। किधर गए सब लोग? यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, मनसुख लाल का डब्बा इस पास। मनसुख लाल खंभे के पीछे से बाहर निकल, मैंने देख लिया है तुझको। लेकिन मनसुख लाल का चेहरा मैंने पहले से देखा हुआ है, तो फिर वैसे नहीं तो कैसे? गट्टू काका आप जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आपको दाव नहीं देना है ना, इसलिए। तो तुम लोग चीटिंग करोगे ना तो मुझको दाव नहीं देना है, मुझको खेलने का ही नहीं ना तुम लोग के साथ में। आपको नया दोस्त जो मिल गया है। हाँ नया और अच्छा भी, जो तुम लोग के जैसे चीटिंग नहीं करता, समझे ना। गुलेल हम लोग को नहीं खेलने का है, आजा बाहर आजा। गुलेल गुलेल, अभी मैं और गुलेल दोनों तुम लोग के साथ में नहीं खेल रहे। गुलेल,
गुलेल ये लोग है ना चीटिंग कर रहे हैं। मनसुख लाल सेम सेम। गुलेल गट्टू काका वो मेरे पापा के साथ चला गया। किधर चला गया वो? पता नहीं। अरे उसको जाने का नहीं था भगवान ने, वो इधर रहने का था उसको। काका वो भगवान नहीं था। वो था गट्टू काका। अगर वो भगवान है तो फिर अभी आपने बुलाया तो फिर वो क्यों नहीं आया? कहानी में तो बड़ा गोबल आ जाता था। वो नहीं आया क्योंकि वो है ना भगवान बुरे बच्चों के सामने नहीं आता है। तो तुम सब लोग बुरे बच्चे हो ना, मैं अकेला बुलाऊंगा ना तो आएगा गुलेल। तो ठीक है आप अकेले में बुलाइए और हम ऊपर जाके खेलेंगे। ओके चलो सब जा मन शुक्ला जा। गुलेल 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 गट्टू काका गुलेल सचमुच चला गया। चला गया मेरा बेस्ट फ्रेंड और वो मटकी भी गई सी यार। गुलेल गुलेल ये तो पुलिस स्टेशन है। डरो मत, मैं तुम्हारी कंप्लेन करने नहीं बल्कि पुलिस की मदद मांगने आया हूँ कि वो तुम्हारे। पुलिस मदद भी करती है? मुझे तो हर बार नीचे जगाकर हट्टो हट्टो करके भगा ही देती है। पुलिस मदद करती है बेटा, और यहाँ के जो इंस्पेक्टर है ना वो हमारी जान पहचान के हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो उनसे सिर्फ मशवरा करने आया हूँ कि कैसे तुम्हें किसी अच्छी जगह सेटल कर सके। चलो सुबोध, तू आज यहाँ कैसे? कैसे चल रहा है तेरा ड्रामा वामा? नए ड्रामे की रिहर्सल शुरू हो गई है, देखने आना। क्या ड्रामा या रिहर्सल? और तू बता तेरा कैसा चल रहा है? नॉर्मल है। सुबह वायम कॉलेज में हंगामा हुआ था, वहाँ लाठीचार्ज किया, फिर दोपहर को एक गैंग के साथ गोलीबारी हुई, यहाँ से गोली चली, मरते मरते बच गया मैं। दो आदमी पकड़े गए, उनकी 3 घंटे तक धुलाई की, नॉर्मल। और तू बता कैसे आना हुआ? बेटा आप थोड़ी देर के लिए वहां आराम से हो नहीं? ये गट्टू को रास्ते में मिल गया था और गट्टू इसे भगवान समझ के घर ले आया। क्या भगवान? तू गट्टू को जानता है, उसकी सोच दुनिया से निराली है। वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं तुझसे ये पूछने आया हूं इसका क्या करूं। घर पे इसे रख नहीं सकता, कल को कोई आ गया और उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को उठाया है वो खामखा फंस जाएंगे, और घर बार इसका पता नहीं है। तो उसी से पूछना था ना? इसने तो कहा इसका कोई नहीं है, तू ही बताना क्या करें। ठीक है तो इसे मेरे पास छोड़ दो, पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके घर बार के बारे में कुछ पता कर लूं, लेकिन इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक डोंट वरी सुबोध, मैं हूं ना, मैं उसे किसी अच्छी जगह रखने का पूरा बंदोबस्त करता हूं। थैंक्स सर, इट्स ऑल राइट। अब जा रहे हैं। तू जा, मैं संभालूंगा सब। तू इसे संभाल, मैं गट्टू को संभालता हूं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।